न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। इत्तेफाकन आज से ठीक 5 साल पहले इस देश पर नोटबंदी लागू की गई थी। 5 साल गुजर गए, हमें वादा किया गया था कि डिजिटल पेमेंट्स होंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ेंगे। हमसे कहा गया था कि काला धन आएगा, यह खत्म हो जाएगा। हमसे यह भी कहा गया था कि आतंकवाद खत्म होगा, मगर 5 साल बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पांच साल बाद कश्मीर से हिंदू और सिख 1990 के बाद पहली बार पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि हमसे तो वादा किया गया था ना कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमसे कहा गया था कि काला धन इस देश से साफ हो जाएगा, मगर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड के बैंक्स में भारतीय काला धन और उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। यानी कि भारतीयों का पैसा अब जेनीवा में पहले से कहीं ज्यादा जा रहा है। यानी कि जो तमाम वादे किए गए थे वो तमाम वादे जो हैं धराशायी हो गए। 1 साल पहले किसानों ने आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, 1 साल गुजर गया है। कई आंकड़ों के मुताबिक अब तक 600 लोग मारे गए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार में मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा 4 किसानों को रौंद कर निकल गया। वो तो जेल में है, मगर उसका पिता अजय मिश्रा से अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया है। मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि सड़क के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो उसके लिए दिल में दर्द होता है। प्रधानमंत्री, आपको वो याद है या वो आप भूल गए? मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके क्या शब्द थे, सुनिए। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। और आज प्रधानमंत्री, आपको आईना कोई और नहीं बल्कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आपको दिखा रहे हैं। सत्यपाल मलिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि इतनी संवेदनहीन सरकार आखिर कोई कैसे हो सकती है। सुनिए क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। तो तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और आपकी सरकार क्या कर रही है मोदी जी? एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, और वो एक सर्वे लेकर आई है। ये सर्वे आपके स्क्रीन पर है। इस सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आप जानते हैं इसके लिए कितने लोगों से बात की गई है? इसके लिए बात की गई है 2000 शिक्षित लोगों से। इसमें ना किसानों की राय, इसमें ना मजदूरों की राय, इसमें ना बेरोजगारों की राय, और यह सरकार को लगता है कि तमाम मुश्किलों पर पर्दा डाला जा सकता है इस तरह के सर्वेस के जरिए। और इस तरह के सर्वेस में क्या किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 70% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पुनः शीर्ष पर हैं। यह सम्मान वैश्विक पटल पर उनके कुशल नेतृत्व व नीतियों की स्वीकार्यता तथा नए भारत के सामर्थ्य का अभिनंदन है। यही नहीं, पार्टी के एक और मंत्री नितिन गडकरी का भी यह ट्वीट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
पुनः विश्व का सबसे लोकप्रियता बनना पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। मैं एक बात समझना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और माननीय मंत्री नितिन गडकरी से, यह कौन सी एजेंसी है, इसकी क्या विश्वसनीयता है, मैं नहीं जानता। मगर जब कुछ खास किस्म के सर्वेज आते हैं, कुछ खास किस्म के सूचकांक आते हैं, तब इस सरकार के मुंह पर पट्टी आखिर क्यों पड़ जाती है? क्या आप जानते हैं कि भुखमरी के मामले में 2020 में भारत का दुनिया में स्थान था 94, अब वो बढ़कर हो गया है 101। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब भुखमरी को लेकर इस तरह से पोल खोल होती है तो मोदी सरकार इसका जिक्र क्यों नहीं करती। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान था 130, अब 2019 में यह हो गया है 131, यानी कि बद से बदतर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि इस देश में प्रेस की क्या स्थिति है, 2019 में हम 140वें नंबर पर थे और 2020 में हम 142वें नंबर पर हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि इस देश में लोकतंत्र की क्या हालत है, 2018 में हमारा स्थान था 41 और वो गिरकर 2019 में आ गया है 51। जीडीपी 2018 में 6.53 और 2019 में जीडीपी 4.04। बेरोजगारी की बात करें दोस्तों, तो पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर सबसे बदतर हालत है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह के आंकड़े सामने उभर कर आते हैं तो आपके मुंह पर डिप्रेशन की लाली क्यों छा जाती है, तब आप इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं? मुझे बहुत अजीब लगता है दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम नहीं करती। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे थे, आप ये कह रहे थे और आप कहीं ना कहीं तंज 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर मार रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का काम जो है वो इस परिवार के बगैर नहीं चलता। बहुत सही बात कही आपने कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह नहीं है। मगर मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री की, पिछले 7 सालों में जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो गई है। पूरी पार्टी एक व्यक्ति के करिश्मे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर चलती है। एक आदमी जो कहे वही सही, एक आदमी का करिश्मा और बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए क्या कहा था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, पार्टी की ये जो परंपराएं हैं इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने किस तरह से बीजेपी को घेरा है, आइए सुनते हैं पवन खेरा को। जो जिस संस्था ने यह सर्वे किया उसका नाम बताइए, उसकी सैंपल साइज बताइए। 2126 की सैंपल साइज है, उस संस्था का नाम मुझे याद नहीं है, एक ही बार सुना था और उसके बाद शायद सुनाई देगा भी नहीं। वो याद है आपको, एक मार्केटिंग अवार्ड भी मिला था प्राइम मिनिस्टर को, विश्व का सबसे बड़ा मार्केटिंग गुरु, कौन सी संस्था थी भूल गए हम भी, प्रधानमंत्री भी भूल गए होंगे। तो इस तरह के नाटक और नौटंकी करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इन्हें हर 6 महीने में यह आभास दिलवाना होता है अपने आप को कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो अपनी पीठ थपथपा देते हैं। अरे आपको आभास क्यों नहीं है आप प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वाहवाही बटोरना, वो भी नकली झूठी वाहवाही बटोरना। कभी उसके लिए आप विदेश चले जाते हो साहब, वहां किराए के लोग इकट्ठा करके तालियां तालियां तालियां। आपको कब आभास होगा कि 8 साल हुए आपको प्रधानमंत्री हुए, 7.5 साल। अब भी अगर आभास नहीं हो रहा तो माफ कीजिएगा, चलिए रास्ता खाली करिए, दूसरे किसी को आने दीजिए। ये किस तरह का कोई गंभीर, कोई मर्यादा, प्रधानमंत्री में एक मर्यादा होती है,
यह पहला और अंतिम प्रधानमंत्री है जिसमें इतनी लेश मात्र भी मर्यादा नहीं है। अब कहीं से कोई सर्वे करवा दिया 2000 लोगों का, पूरे विश्व की आबादी कितनी है साहब? दिक्कत क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताता हूं। जब यह बताया जाता है ना कि प्रधानमंत्री इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आप बहुत ही सुविधावादी तरीकों से कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया। इसके अलावा मैं कुछ और चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। संत नगर का यह वीडियो देखिए दोस्तों, यह वीडियो दिवाली का है और इस वीडियो के अंदर एक मुसलमान पर जबरदस्ती की जा रही है कि वो दिवाली के दिन अपना होटल बंद कर दे। आपको याद होगा इसी तरह से गुरुग्राम में कपिल मिश्रा नाम का भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंच जाता है उस जगह पर जहां सरकार ने मुसलमानों को इजाजत दी होती है नमाज अदा करने की, और वहां पर गोवर्धन पूजा की जाती है। इस तरह की ढेरों मिसालें हैं जहां कई जगहों पर मासूम मुसलमान बच्चों को निशाना बनाया जाता है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां धर्म के नाम पर इंसान को लिंच किया जा रहा है। जब यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तब क्या इन बातों पर भी गौर किया जाता है? एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। त्रिपुरा में क्या हुआ था याद है आपको? त्रिपुरा के अंदर विश्व हिंदू परिषद यात्रा लेकर निकली थी, कई जगहों पर इन्होंने कथित तौर पर मस्जिदों पर निशाना साधा था। इसके खिलाफ कई लोगों ने अपनी आवाजें बुलंद की थी, और जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, करीब 102 लोगों के खिलाफ आतंकवाद की धाराएं लगा दी गईं। जी हां, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि त्रिपुरा में किस तरह से मस्जिदों पर निशाना साधा जा रहा है। कुछ और मिसाल देता हूं आपको, इन चेहरों पर गौर कीजिए। उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, इन्हें भी आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद रखा गया है पिछले 1-1.5 सालों में। इनका क्या गुनाह है अब तक प्रमाणित नहीं हुआ है दोस्तों। उमर खालिद के खिलाफ जो प्रमाण दिए गए हैं वो प्रमाण किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से मिले एक वीडियो पर आधारित है। सिद्दीक कप्पन सिर्फ अपना काम करने गए थे, बतौर पत्रकार हाथरस जा रहे थे, मगर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, वो भी आतंकवाद की धाराओं में। प्रधानमंत्री, आपके कार्यकाल में यह हो रहा है, इंसानियत न के बराबर रह गई है। कुछ लोगों को ब्रूटलाइज किया जा रहा है, कुछ लोगों को इंसान ही नहीं समझा जा रहा है, और फिर यह कहा जाता है कि आपका दुनिया में डंका बज रहा है। किसे मूर्ख समझती है बीजेपी? फैब इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। फैब इंडिया एक भारतीय कंपनी है, एक स्वदेशी कंपनी है। इसका सिर्फ इतना गुनाह था कि इसने दिवाली से ठीक पहले एक अभियान चलाया जिसका नाम था जश्न ए रिवाज। तेजस्वी सूर्या जैसे बीजेपी नेताओं को इस बात पर आपत्ति हो गई कि जश्न ए रिवाज एक उर्दू शब्द है, लिहाजा आप दिवाली का अपमान नहीं करेंगे। आमिर खान सीएट टायर्स का एक विज्ञापन करते हैं जिसमें वो सिर्फ इतना कहते हैं कि दिवाली के दिन सड़क पर पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां जाती हैं और उससे दुर्घटना हो सकती है। तो इनके एक सांसद हैं अनंत हेगड़े, उत्तराखंडड़ा से ये महाशय अनंत हेगड़े सांसद हैं, और वो सीएट को खत लिखते हैं कि आप मेरे हिंदू धर्म का क्यों अपमान कर रहे हैं। विराट कोहली का सिर्फ इतना गुनाह था कि जब पाकिस्तान से हारने के बाद मोहम्मद शमी को बीजेपी प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं वो निशाना साध रहे थे, उन पर मोहम्मद शमी के पक्ष में जब उनके कप्तान विराट कोहली आए थे, तब विराट कोहली पर निशाना साधा गया था। एक ट्विटर यूजर ने उनकी 10 महीने की बच्ची पर बलात्कार की धमकी भी दी थी, और जिस व्यक्ति ने बलात्कार की धमकी दी थी पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह बतलाने में लगा हुआ था कि धमकी देने वाला भारत का नहीं पाकिस्तान का है। यानी कि यह प्रचार तंत्र खड़ा किसके साथ हुआ था? एक बलात्कार की धमकी देने वाले के साथ। मगर मुझे हैरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जम्मू के कठुआ में जब 1-8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था, तब ये दो चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के ये दो नेता, ये दो मंत्री,
इन दोनों ने बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकाली थी। मोदी जी, यह हो रहा है आपके कार्यकाल में, इसलिए तो मैंने कहा इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, इंसानियत को ब्रूटलाइज किया जा रहा है, लोगों को उनके धर्म, उनकी राजनीतिक विचारधारा और सिर्फ इसलिए कि वो आपसे सवाल करते हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो मैं फिर पूछना चाहता हूं आपसे, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आप दुनिया में नंबर वन हैं? शाहरुख खान की बात करता हूं, शाहरुख खान के बेटे को नहीं बख्शा गया आर्यन खान, और उसके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कोई प्रमाण नहीं था दोस्तों। अदालत ने जब उन्हें बेल दी तो इस बेल में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, व्हाट्सएप चैट्स को आधार बनाकर आप यह साबित नहीं कर सकते कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात थे, मगर आपने ऐसा किया क्योंकि आप शाहरुख खान को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपको लगा कि हम उसके बेटे पर एक साजिश के तहत निशाना साधें। यह है भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव, जो पसंद ना आए उसके परिवार पर निशाना साधो। तो मैं समझना चाहता हूं कि यह जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, जो तमाम जगहों पर सत्ता पर आसीन है, जो मीडिया का इस्तेमाल करती है, एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, उनकी सत्ता में, उनकी इस सत्ता और इस सत्ता का चेहरा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर वन कैसे हो सकते हैं भाई? मुझे समझाइए यह आसान सी बात। तो अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता है ना, तो मुझे प्रमाण दीजिए कि आपके दिल में किसानों के लिए दर्द है, मुझे प्रमाण दीजिए कि आपके दिल में अल्पसंख्यकों के लिए दर्द है, मुझे प्रमाण दीजिए कि आप अपने देश की जनता पर डर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे प्रमाण दीजिए कि जो लोग आपसे सवाल करते हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा है, आप उन पर निशाना नहीं साधेंगे, क्योंकि ऐसा 2014-15 से पहले नहीं होता था। प्रमाण दीजिए, क्योंकि एनआरआईज के जरिए, कुछ पालतू एजेंसीज के जरिए जय जयकार करना बहुत आसान है, मगर हकीकत से आप लगातार मुंह मोड़ते आए हैं, और हकीकत से मुंह मोड़ना आसान नहीं है। कृपया हकीकत का सामना करें, क्योंकि वही हकीकत न्यूज चक्र में, न्यूज क्लिक में मैं अभिसार शर्मा लगातार लाता रहूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।